Hello friends, how are you? Hope you are enjoying your study and preparing well for your exam. Today we are gonna do all on aggression earned by John Keats. John Keats was a romantic poet. He was born on 31st of October 1795, Moorgate, London, and he died at an early age on 23rd of February 1821 in Rome. Second generation romantic poetry. देखो romantic poetry 1800 से लेकर 1850 तक इसका काल माना जाता है और उसकी जो second generation थी उसके ये poet माने जाते हैं. ये poem 1819 की जो May थी उसमें लिखी गई थी और January 1820 के अंदर ये publish हुई थी और जिस magazine के अंदर ये publish हुई थी उसका नाम था Annals of the Fine Arts. इस पोएम में अगर ओवरऑल बात करें तो कीट्स फिलॉसफी अबाउट आर्ट ब्यूटी एंड लाइफ इसकी बात की गई है. पोएम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. इस पोएम के अंदर टोटल 5 स्टेंजर्स हैं और हर एक स्टेंजर में 10 लाइंस हैं, यानी कुल मिलाकर के 50 लाइंस इसके अंदर हैं. स्टेंजा 1 और स्टेंजा 5 की स्ट्रक्चर सेम है. स्टेंजा 2 की स्ट्रक्चर अपने आप में अलग है और स्टेंजा 3 और स्टेंजा 4 की स्ट्रक्चर सेम है. स्टेंजा 1 की अगर हम बात करें लाइन बाय लाइन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, उससे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्टेंजा 1 की जो स्ट्रक्चर है ए बी ए बी सी डी ई डी सी ये स्ट्रक्चर है और सेम यही स्ट्रक्चर स्टेंजा 5 की भी है. स्टेंजा 2 की बात करें ये अपने आप में यूनिक है, इसकी स्ट्रक्चर किसी भी और स्टेंजा के साथ मैच नहीं करती और इसकी स्ट्रक्चर है ए बी ए बी सी डी ई सी ई डी. उसके बाद स्टेंजा 3 एंड स्टेंजा 4 इनकी स्ट्रक्चर सेम है और इनकी स्ट्रक्चर है ए बी ए बी सी डी ई सी डी ई ए बी ए बी सी डी ई सी डी ई. ये थी स्ट्रक्चर की बात. अब हम थोड़ा ओवरव्यू देखें कि किस स्टेंजा के अंदर कौन सी बात की गई है. स्टेंजा 1 के अंदर वो सीन है जिसमें कुछ यंग मैन कुछ यंग लेडीज को चेस कर रहे हैं. स्टेंजा 2 के अंदर एक यंग मैन है जो पाइप बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है अगर हम इस तरह बोल सके तो. स्टेंजा 3 के अंदर दोनों सीन एक साथ डिस्क्राइब किए गए हैं, दोनों की बात की गई है, मैन चेसिंग वीमेन और यंग मैन विद पाइप. स्टेंजा 4 के अंदर सैक्रिफाइस की बात है, बलिदान वाली जो बात है, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ये स्टेंजा 4 के अंदर है. और स्टेंजा 5 के अंदर ब्यूटी और ट्रुथ से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें की गई है. लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ दिस पॉइंट. हियर इज द फर्स्ट लाइन, थाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ व्हाइटनेस. देखिए ब्राइड कहा है, सीन ऐसा है कि कोई म्यूजियम है या वट एवर प्लेस है वहां पे अर्न पड़ा है और हमारा जो स्पीकर है, एक ही स्पीकर है इसमें, वो उस अर्न के पास जाता है, बड़ी क्लोजली उसको देखता है और उसको एड्रेस करता है और क्या कहता है, क्वाइटनेस. क्वाइटनेस इसलिए कहा है क्योंकि म्यूजियम के अंदर सन्नाटा है और वैसे वो अर्न बड़ी सदियों से वहां पे पड़ा है और कुछ चेंजेस उसमें आए नहीं है तो सब तरफ शांति शांति है, इसलिए वो क्वाइटनेस की ब्राइड है, दुल्हन है. और अनरेविश्ड यहाँ पे बड़ा ही गंदा सा शब्द यूज किया गया है, किसी चीज को रेविश करने का मतलब होता है उसको बिगाड़ देना, तो अनरेविश्ड ब्राइड है. तो हम थोड़े सिंपल वर्ड्स में इसको कह सके तो अनछुई दुल्हन कहा गया है क्वाइटनेस की. दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम. देखो चाइल्ड कहा है, फोस्टर चाइल्ड कहा है और वो भी साइलेंस का और स्लो टाइम का. साइलेंस क्यों? क्योंकि सन्नाटा उस म्यूजियम में है और स्लो टाइम इसलिए क्योंकि ये जो अर्न है बड़ा ही ओल्ड है और समय बड़ा धीरे धीरे उसके लिए बीता है और आगे भी धीरे ही बीतने वाला है. और ग्रीक आर्टिस्ट ने इसको क्रिएट किया और इसको सेफ रखा है, इसलिए वो फोस्टर चाइल्ड है. ग्रीक आर्टिस्ट ने इसको बनाया और सेफ रखा है तो उनका फोस्टर चाइल्ड हो गया. फोस्टर चाइल्ड किसका? साइलेंस और स्लो टाइम का. लाइन 3 एंड 4 देखे. Sylvan historian, who can't thus express a flowery tale more sweetly than over rhyme. देखो Sylvan historian इसलिए कहा गया क्योंकि अर्न के ऊपर historian है, क्योंकि वो history बताता है. Sylvan इसलिए, Sylvan का मतलब भी होता है forest वगैरह से related, जंगल वगैरह से related, ग्रामीण परिक्षेत्र से related, जंगल से संबंधित Sylvan होता है. तो उसके ऊपर trees बने हुए हैं, leaves हैं, flowers हैं
और लवर्स बने हुए हैं, तो एक जंगल का सा सीन आ गया, इसलिए इसको सिल्वेन हिस्टोरियन कहा गया है, जो एक्सप्रेस कर सकता है एक फ्लावरी टेल, एक सजी सजाई जो फूल वगैरह हो, जिसमें लीव्स वगैरह हो, ऐसी टेल वो एक्सप्रेस कर सकता है, और वो भी इंसान से ज्यादा खूबसूरत तरीके से। लिखा ना, मोर स्वीटली देन अवर राइम, हमारी राइम से भी ज्यादा स्वीटली तुम हिस्ट्री को बता सकते हो। व्हाट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट थाई शेप, हॉन्ट का यहाँ पे यूज पन के रूप में किया गया है, ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और of both in Tempe or the dales of Arcady. Speaker क्या कर रहा है? और closely जाता है आर्न के, और आर्न को जाकर पूछ रहा है कि भैया तुम्हारी जो shape है, इस पर जो ये leaf fringed legends बनी हुई है, आप देख सकते हैं आर्न की picture, ये leaf fringed है, यानी इसकी किनारी पर leaves और flowers बने हुए हैं, इसलिए इसको leaf fringed, यानी वो tale बता रहा है, कहानी बता रहा है, उसको देखोगे आपको कोई कहानी याद आएगी, और वो कहानी कैसी है? उस पे किनारी बनी हुई है फूलों की। तो व्हाट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट थाई शेप, और ये लेजेंड, ये कथा है किसकी, पूछ रहा है, या तो डेटीज की है, देवताओं की है, या फिर मॉर्टल्स यानी इंसानों की है, या फिर बोथ दोनों की है, जो तुम कथा कह रहे हो। और ये कथा है कहां की, दो घाटियों के नाम बताए हैं, दोनों ग्रीस की घाटियां हैं, टेम्पे और आर्केडी, ये दोनों ग्रीस की घाटियां हैं, वैलीज हैं। Now the last lines of first stanza, what men or gods are these? अब उसको वहाँ पे स्पीकर को कुछ तस्वीर बनी हुई दिखाई दे रही है, सीन ऐसा है, उसमें वो देख रहा है कुछ men हैं, lovers हैं, कुछ women हैं, and men are going after the women, ठीक है, ऐसा सीन है, और वो पूछ रहा है कि ये कौन men हैं या फिर gods हैं, और what maidens, कौन ये कुंवारी स्त्रियां हैं जो लोध कर रही हैं, लोध का मतलब होता है किसी चीज से घृणा करना, किसी चीज से दूर भागना। कह रहा है व्हाट मैड परसूट, ये जो चल रहा है, देखो अफरा तफरी का सा सीन है, वेमेन आगे जा रही है, मेन पीछे जा रहे हैं, ये जो परसूट है इसको मैड परसूट कहा गया है, ये क्या मैड सा परसूट है, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, भागने की ये भागने के लिए ये कैसा संघर्ष है, और वहां पर कुछ म्यूजिक का भी सीन है, व्हाट पाइप्स और टिम्ब्रल्स, कैसी बांसुरियां हैं यहाँ पे, टिम्ब्रेल का मतलब होता है डफली, आप तस्वीर देख सकते हो, कैसी पाइप्स हैं यहाँ पे बज रही हैं, कैसे टिम्ब्रेल्स डफलियां बज रही हैं, व्हाट वाइल्ड एक्स्टेसी, कैसी जंगली परम आनंद है, यानी बहुत अफरा तफरी का माहौल है। तो वो जो पहली पिक्चर है ये, और पूछ रहा है कि ये सब क्या है। स्टेंजा टू, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप Pipes play on. अब सीन इस तरह का है कि पहले सीन से वो चल करके अब दूसरे सीन पे आ गया, दूसरी पिक्चर देख रहा है, और उसमें देख रहा है कि एक यंग मैन है, ट्री के नीचे बैठा है, और वो पाइप बांसुरी बजा रहा है, और उसको देखते ही स्पीकर को याद आता है कि जो मेलोडीज मैं सुनता हूँ वो तो स्वीट होती हैं, ये वाली मुझे दिख तो रही है लेकिन सुन नहीं रही है, लेकिन ये और भी ज्यादा मधुर है, स्वीटर है। और ये जो लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, इसमें पैराडॉक्स का यूज है, बड़ी फेमस लाइंस है कीट्स की, ये पैराडॉक्स का यूज है कि जो चीज आपको सुनाई ही नहीं देती, कोई सॉन्ग आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है, फिर भी वो आपको जब बहुत ज्यादा स्वीट लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यंग मैन को कह रहा है कि ये सॉफ्ट पाइप्स मधुर संगीत बजा रहा है, प्ले ऑन, बजाते रहिए, संगीत बजाना है, बट Not to the sensual ear, but more endeared pipe to the sweet ditties of no tone. कह रहा है मेरे sensual ear, जो मेरा physical ear है ना, उनके लिए तुमको music नहीं बजाना है, बल्कि उससे भी जो ज्यादा प्रिय है मुझे, more endeared है, क्या है, more endeared spirit, मेरी imagination, मेरी आत्मा, उसके लिए बजाओ, और क्या बजाओ, ditties of no tone, देखो ditty का मतलब होता है song, बिना टोन वाले सॉन्ग बजाइए, बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि जिस सॉन्ग में टोन ही नहीं है तो फिर वो सॉन्ग क्या है, लेकिन यहाँ पे ये शब्दों का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीकर वो सिर्फ तस्वीर को देख सकता है, सिर्फ कल्पना कर सकता है कि किस तरह का सॉन्ग गाया या बजाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांस्ट नॉट लीव द सॉन्ग Nor ever can those trees be bare.
अब उस यंग मैन को संबोधित करते हुए कहता है, अब पहली बार हमें पता लग रहा है कि म्यूजिशियन कौन है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो गई है। इट इज अ यंग मैन जो एक पेड़ के नीचे बैठा है और कीट्स क्या कर रहा है, अर्न को एक एक्चुअल प्लेस की तरह ट्रीट कर रहा है। देखो दो बातें हो रही हैं, एक तो स्पीकर जो है उसकी दुनिया और दूसरी दुनिया उस अर्न की। स्पीकर की दुनिया चेंजिंग है, चेंज होती है, लेकिन उस अर्न की दुनिया जो है वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही है। तो उसको एक प्लेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है और कह रहा है कि वो प्लेस फॉर एवर सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना सीजन, ना प्लेस, ना तो सॉन्ग, ना द ट्री, सब कुछ सेम रहेगा। और उसने कहा है, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, जो पेड़ के नीचे तुम बैठे हो ना, दाउ कांस्ट लीव, तुम यहां से जा ही नहीं सकते, ना ही छोड़ सकते हो दाई सॉन्ग, ना अपना सॉन्ग छोड़ सकते हो, नॉर इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठे हो ना, वो पेड़ अपनी पत्तियां उनसे रहित नहीं हो सकते। Bold lover, never, never canst thou kiss. अब सीन वापस वही पिछले वाले स्टेंजा में शिफ्ट हो रहा है। पिछले वाले स्टेंजा में हमने देखा था यंग मैन जो है विमेन का पीछा कर रहे थे, तो स्पीकर जो है अचानक ये जो यंग मैन वाली तस्वीर है इसको देखते देखते अगेन वापस उसी पिक्चर पर शिफ्ट हो रहा है जहां उसको वो यंग मैन दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे साहसी लवर, कभी नहीं तुम जो ये किस वाला काम करने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम कभी कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भैया तुम तस्वीर के रूप में वहां पे बने हुए हो और ये तस्वीर कभी मूव नहीं कर पाएगी। तो इसमें नेवर वर्ड का रिपीटेशन हुआ है और आगे बहुत सारे शब्दों का रिपीटेशन होगा। नेक्स्ट लाइंस, दो विनिंग नियर द गोल येट, उसी यंग मैन उन्हीं चेजिंग यंग मैन को कह रहा है कि हालांकि तुम अपना लक्ष्य पाने के बड़ा करीब हो, यानी किस प्राप्त करने के बड़ा करीब हो, डू नॉट ग्रीव, चिंता मत करो, शी कैन नॉट फेड, वो गायब नहीं हो जाएगी, दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, तुम्हें अपना परम आनंद नहीं मिला है, फॉर एवर विल दाउ लव, हमेशा के लिए तुम प्रेम करते रहोगे, एंड शी विल बी फेयर, और वो हमेशा खूबसूरत रहेगी। यहाँ भाव ये है कि वो तस्वीर वहां पर अर्न के ऊपर उकेरी हुई है वो सेम की सेम रहेगी, ना तो लवर चेंज होगा, ना उसकी बिलव्ड चेंज होगी, ना वो आपस में किस कर पाएंगे कभी भी। नेक्स्ट लाइन्स, हैप्पी हैप्पी बोस, देखो रिपीटेशन की अब आदत हो गई है किड्स को, पहले नेवर नेवर को रिपीट किया था, अब हैप्पी हैप्पी को रिपीट कर रहा है। आ हैप्पी हैप्पी बोस दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, बोस कह रहा है वो टहनियों को, पेड़ों की टहनियां दिख रही है। देखो स्पीकर शिफ्ट कर रहा है कभी इधर कभी उधर, टहनी को कह रहा है कि तुम अपनी पत्तियां कभी शेड नहीं कर पाओगी, जितनी पत्तियां तस्वीर में तुम पर बनी हुई हैं हमेशा इतनी ही पत्तियां रहेंगी। Nor ever bid the spring adieu. देखो adieu एक French word है जिसका मतलब होता है अलविदा, farewell. ना ही जो spring season इसके ऊपर दिखाया हुआ है अर्ड के ऊपर, ये spring season भी कभी end नहीं होगा. And happy melodist, unwearied, forever piping songs, forever new. देखो अब जो speaker है वो वापस से second image पे आ गया और यंग मैन है उसमें पाइपिंग कर रहा है और उसको क्या कह रहा है, हैप्पी मेलोडिस्ट, हैप्पी मेलोडिस्ट कह रहा है, हैप्पी एंड अनवीरिड कह रहा है, और ही इज फ्रोजन ऑन द अर्न, सो ही इज ऑलवेज पाइपिंग न्यू सॉन्ग्स गा रहा है और फ्रोजन है वो पे, वहां पे यहाँ पे जो अनवीरिड शब्द का यूज है ये बड़ा ट्रिकी है और ये इस पोइम के आयामिक पेंटामीटर को प्रिजर्व करने के लिए किड्स ने चाहा था कि इस शब्द को यूं बोला जाए, अनवीरिड, चार सिलेबल्स में बोला जाए। नेक्स्ट लाइन, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, देखो किड्स को आदत हो गई है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है, हैप्पी शब्द का तीन बार यहां पे यूज हुआ है, द स्पीकर इज हैप्पी, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उस यंग मैन को एनकरेज कर रहा है, जो म्यूजिशियन उसको दिखाई दे रहा है उसको एनकरेज कर रहा है कि आप सॉन्ग्स बजाते रहिए। क्यों? क्योंकि स्पीकर को लगता है कि म्यूजिक और लव जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, ज्यादा म्यूजिक होगा तो ज्यादा लव होगा। नेक्स्ट लाइन्स, फॉरएवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, फॉरएवर पैंटिंग एंड फॉरएवर यंग, अब देखिए वापस
उसी सीन पर जिसमें चेजिंग हो रही थी, यंग मैन पीछा कर रहे थे वेमन का, उस सीन पर वापस जाता है। बड़ी गंदी सी इमेजरी का यहाँ पे यूज है। वुमेन को कहा गया है, ठीक है ना। मतलब इसमें जो वर्म शब्द का यूज है, ये किसको कहा है? वर्म हॉट है ना, ये वुमेन को कहा गया है। बड़ी हॉट है वो, स्टिल टू बी इंजॉयड, यानी मतलब अभी भी उनका, उन वुमेन का यूज नहीं किया गया है फॉर सेक्स पर्पस और वट एवर। देखिए रोमांटिक पोइट हैं तो सेंसुअल लव या सेंसुअल सेक्स की ओर बड़े ही प्रवृत्त रहते हैं ये। तो वॉर्म है वुमेन और स्टिल टू बी इंजॉयड फॉर एवर पेंटिंग, हाफ कौन रहा है? हाफ रहा है मैन और वुमेन, जो चेस कर रहे हैं वो हाफ रहे हैं, और फॉर एवर यंग वो मैन और वुमेन, फॉर एवर हमेशा के लिए यंग है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर फार अबोव। अब देखो यहां पर जो स्पीकर है वो अपने आप को उस अर्न की दुनिया से अलग करके देख रहा है कि तुम तो देखिए फिक्स हो, लेकिन हम तो जिंदा जागता फ्लैश हैं, और हमारी जो पैशंस हैं वो तुम्हारे पैशंस से बहुत ऊपर हैं और बहुत अलग हैं। ठीक है, तुम्हारे अंदर भी पैशंस दिखाया गया है, लेकिन हमारे पैशंस बहुत ऊपर है। दैट लीव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लोइड, कंपैरिजन कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो लव सीन दिखाया गया है उसका, और जो हमारी रियल लाइफ में जो लव की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क ये है कि भैया हमारे ह्यूमन पैशंस है ना बहुत ऊपर होते हैं। वो क्या करते हैं, लीव्स वो हमें बना देते हैं, छोड़ देते हैं। हाई सोरोफुल एंड क्लोइड, बड़े ही दुख में। और अक्लोइड तब होते हो जब आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में आए और आप उससे उकता जाओ, परेशान हो जाओ, तो आप क्लोइड हो जाते हो। तो हम उस चीज से क्लोइड हो जाते हैं। ए बर्निंग फोरहेड, हमारा माथा जो है ना वो जलना शुरू कर देता है, यानी हम बीमार हो जाते हैं। एंड ए पार्चिंग टंग, और हमारी जीभ सूखना शुरू हो जाती है। और पार्चिंग टंग का यूज क्यों किया गया? क्योंकि हमारी जीभ क्यों सूखती है? क्योंकि हम मोर एंड मोर लव चाहते हैं, जो हमें मिल नहीं रहा है तो हमारी जीभ सूखने लगी, हमें प्यासे मरने लगे। तो क्लियर दिख रहा है कि पहले उसने कहा कि ठीक है अर्जुन, तुम्हारे ऊपर जो लव सीन्स है दैट इज ओके, पैशन है उनमें सब कुछ है, लेकिन हम ह्यूमंस का पैशन तुमसे ज्यादा है, और हमारा इस तरह का, हमारी प्रॉब्लम्स भी अलग तरह की हैं, और हम जो है ना उन प्रॉब्लम्स की वजह से क्लोइड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, सीन भी शिफ्ट हो रहा है, इसमें जो है सेक्रीफाइस का सीन है, बिल्कुल सीन शिफ्ट हो गया। Who are these coming to the sacrifice? अचानक उसको एक तस्वीर दिखती है जिसके अंदर एक प्रीस्ट है, एक गाय है या बछड़ी कह सकते हो, हे फर जिसके लिए शब्द आएगा, और कुछ लोग हैं, एक बलि वेदी है। बलि वेदी का मतलब होता है जहां पर बलि दी जाए, जिसको अल्टार कहा जाएगा यहाँ पे। ऐसा सीन उसको तस्वीर दिखती है उस अर्न के ऊपर बनी हुई। तो वो अचानक से उस तस्वीर को देखकर पूछ रहा है कि व्हाट आर दीस हु आर दीस कमिंग टू द सैक्रिफाइस, ये कौन है जो बलि देने के लिए आ रहे हैं? टू व्हाट ग्रीन अल्टार, किस ग्रीन अल्टार की तरफ, बलि वेदी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ग्रीन क्यों कहा अल्टार को? क्योंकि जहां भी बलि दी जानी है वहां पर बहुत सारे फूलों की मालाएं या पत्तियां इस तरह की बिखेरी हुई हैं, इसलिए उसको ग्रीन अल्टार कहा। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, वहां पे जो पुजारी है उसको मिस्टीरियस प्रीस्ट कर रहे हैं। लीडस्ट दाउ दैट हेफर लोइंग एट द स्काइज, तुम एक बछड़ी को, हेफर को लेके जा रहे हो जो आसमान की ओर सिर उठा करके रंभा रही है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मतलब ड्रेस्ड सजे हुए, उसके जो सिल्कन फ्लैंक्स हैं, फ्लैंक्स का मतलब किसी जानवर का साइड का हिस्सा। अब उस गाय को ले जाया जा रहा है बलि देने के लिए, तो डेफिनेटली लोगों ने उसको माला वगैरह पहनाई होगी, तो वो ड्रेस्ड है, वो गाय की जो फ्लैंक्स हैं, साइड्स हैं, वो ड्रेस्ड हैं। नेक्स्ट, व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, यहां पर कीट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो लोग चल रहे हैं पीछे पीछे प्रिस्ट के, जो कि गाय को लेके जा रहा है, ये लोग कौन है और कहां से आए हैं? पूछ रहे किस छोटे से शहर के हैं ये, वो शहर या तो नदी पर है या समुद्र के किनारे है, और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब होता है फोर्ट या किला, या फिर वो शहर किसी माउंटेन पर है और माउंटेन के ऊपर किला बना हुआ है, वहां के हैं वो लोग।
इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, वो शहर अब खाली हो गया है। क्यों खाली हो गया है? क्योंकि वो लोग तो यहाँ आ गए हैं, वो भीड़ तो यहाँ आ गई है, वो जो लोग थे वो अब शहर में नहीं है। दिस पॉयस मॉर्न, मॉर्न का मतलब है यहाँ पे मॉर्निंग, पॉयस मॉर्न का मतलब हो गया होली, पवित्र सुबह। पवित्र सुबह इसलिए है क्योंकि ग्रीक लोग जो हैं वो बलि देने को एक पवित्र कार्य मानते थे। लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी एंड नॉट ए सोल टू टेल व्हाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। अब स्पीकर जो है सीधा उस शहर को संबोधित कर रहा है, उस सिटी को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी जो स्ट्रीट्स है ना वो हमेशा के लिए खामोश रहेंगी। तस्वीर बन गई, तस्वीर अब ये चेंज नहीं होने वाले हमेशा के लिए। तुम्हारी गलियों से लोग निकल कर यहाँ आ गए, तुम्हारी गलियां सुननी है ना, अब वो हमेशा ही सुननी रहेंगी। और नॉट अ सोल टू टेल व्हाई दाउ आर डिसोलेट, और एक भी सोल नहीं है, एक भी इंसान बचा नहीं है शहर में जो ये बता सके कि तुम इतने सुनसान क्यों हो। कैन एवर रिटर्न, कोई लौट के वापस भी नहीं आने वाला तुम्हारे तक। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड, लास्ट स्टेंजा शुरू हो रहा है। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोट। देखो पहली बात तो ये है कि अर्न को एटिक शेप क्यों कहा गया है। एटिक का मतलब टांड होता है, अटारी, जिसके ऊपर छत्ती, जिसके ऊपर कोई सामान रखा जाए, लेकिन यहाँ पे शायद इसका ये मतलब नहीं है। एटिक का एक मतलब ग्रीक जो भाषा है, ग्रीक भाषा की एक बोली भी होती है एटिक, ठीक है ना, तो शायद यहाँ पे मतलब ये है कि ओ एटिक शेप, हे ग्रीक लोगों की जो तुम आकृति हो, ये इसका अर्थ है। ग्रीक एक डायलेक्ट भी है, एक बोली भी है। फेयर एटीट्यूड इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी शेप बड़ी सुंदर है, ठीक है ना, तुम्हारी अपीयरेंस बड़ी सुंदर है, तुम्हारा पोस्चर बड़ा खूबसूरत है, ग्रेसफुल पोस्चर है। ब्रेड, यहाँ पे शब्द आया बी आर ए आई डी, ब्रेड, जो बाड़ होते हैं, बाड़ों का जो जूड़ा होता है वो। अब जैसे एक स्त्री अपने आप को सजाने के लिए अपने बाड़ों का जूड़ा बना लेती है, वैसे ही इस अर्न पर उसके बाल का काम कौन कर रहा है, उसके बाल का काम कर रहे हैं वो जो फूल, वो जो पत्तियां बनी है, या फिर वो जो पुरुष और स्त्रियां उस पर वो केरी गई है ना, वो उसके बालों का काम कर रही हैं। ओवररॉट हो, यानी तुम पर ये पत्तियां वगैरह इतनी बना दी हैं कि तुम अपसेट हो गए। ओवररॉट का मतलब अपसेट होता है, बिकॉज इट हैज टू मेनी ब्रांचेस इन व्हीट, खरपतवार बहुत है तुम्हारे ऊपर। ठीक है तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन भैया तुम्हारे ऊपर जो ब्रांचेस बना दी ना, बहुत सारी पत्तियां बना दी ना, ये थोड़ा तुम्हें अपसेट दिखा रही हैं। तो यहाँ पे डबल काम हो रहा है। स्पीकर ये कहना चाहता है कि अर्न जो है वो ब्यूटीफुल है, दैट्स ओके, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा फैंसी दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। इससे स्पीकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मिक्स्ड फीलिंग है। अर्न की खूबसूरती की प्रशंसा भी वो करना चाहता है, लेकिन उसमें जो बहुत ज्यादा फूल पत्तियां वगैरह बनाई हुई हैं उससे स्पीकर इरिटेट हो रहा है। Thou silent form, dost tease as out of thought, as doth eternity, cold pastoral. देखो silent form इसलिए कहा है क्योंकि तुम एक खामोश आकृति हो, ठीक है ना, बोल तो सकती नहीं, जैसा तुम्हें बना दिया, जब से तुम्हें बना दिया तुम वैसे के वैसे पड़े हो, तुम एक खामोश आकृति हो। और dost tease us out of thought, as doth eternity. देखो दो चीजों की तुलना हो रही है, एटर्निटी और अर्न। अर्न के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा भैया दिमाग घूम जाता है, हमारी सोच टीज हो जाती है, परेशान हो जाती है। वैसे ही जैसे हम अगर एटर्निटी के बारे में सोचें तो एटर्निटी क्या है, मतलब ये एग्जैक्टली पता लगाना बड़ा मुश्किल है, तो हमारा दिमाग घूम जाता है। तो इसलिए जो है अर्न और एटर्निटी की आपस में तुलना की गई है और कहा गया है कि जैसे एटर्निटी के बारे में सोचने से दिमाग परेशान हो जाता है, घूम जाता है और हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसी तरह हे अर्न, जितना हम तुम्हारे बारे में जानते हैं उतना ही हम तुमसे अनजान होते जाते हैं। कोल्ड पैस्ट्रल, देखो पैस्ट्रल तो हम जानते हैं कि ग्रामीण परिक्षेत्र से संबंधित होता है, चूंकि इसमें बहुत सारे फूल, फ्लावर्स, लीव्स और ग्रामीण सीन्स हैं, इसलिए ये पैस्ट्रल है। लेकिन इसको कोल्ड क्यों कहा?
कोल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अनअफेक्टेड बाय चेंज है ना, चेंज नहीं हो पा रहा है इसमें, कभी बदलाव नहीं होगा, इसलिए एक डिटेच्ड पड़ा है, कोल्ड तरीके से पड़ा है। When old age shall this generation waste? कह रहे हैं अब जो जनरेशन है ना, इसको जब बुढ़ापा खा जाएगा ना, thou shalt remain, फिर भी तुम रहोगे, in midst of other woe than ours, वो का मतलब हम जानते हैं दुख या प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम रहोगे, जनरेशंस बदल जाएंगी और उस समय की प्रॉब्लम्स भी बदल जाएंगी, अदर प्रॉब्लम्स होंगी, ये वाली आज वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ए फ्रेंड टू मैन, अब उसको इंसान का मित्र कहा है, क्यों? क्योंकि आज भी तुम इंसान के मित्र की तरह हो, अगली जनरेशन में भी तुम मित्र की तरह रहोगे। टू हुम दाउ सेस्ट, जिसको तुम कहते हो। देखो दो बातें कही हैं, एक तो इंसान के मित्र हो, ठीक है ना, अर्ण को कहा जा रहा है कि तुम इंसान के मित्र हो और इंसान से तुम कहते हो, क्या कहते हो वो लास्ट लाइनों में है, तो तुम इंसान के मित्र हो और इंसान से कहते हो, क्या कहते हो, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। देखो ब्यूटी कहा है यहां पर आर्ट को, कला को, और ट्रुथ कहा गया है लाइफ का जो नॉलेज है, छोटी मोटी सच्चाई की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ी सच्चाई की बात हो रही है, लाइफ के नॉलेज को यहाँ ट्रुथ कहा गया है। तो कला जो है वही जीवन का ज्ञान है और जीवन का ज्ञान ही कला है, है ना? तो यहाँ पर केजमस का यूज है और मोस्ट फेमस लाइंस ऑफ दिस पोएम है ये। ब्यूटी हम जानते हैं यहाँ पे वर्क्स ऑफ आर्ट को कहा गया और ट्रुथ यहाँ पे मीनिंग ऑफ लाइफ को कहा गया। और लास्ट में उसने कहा था कि ही नो ऑन अर्थ, तुम्हें इतना ही पता है बस, और तुम ज्यादा नहीं जानते, तुम्हें इतना ही पता है कि ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही ब्यूटी है, इतना ही तुम्हें पता है और बस इतना ही तुम्हें पता भी होना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वॉज लाइन बाय लाइन समरी एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम और ऑन एग्रेशन अर्न बाय जॉन कीट्स। होप यू एंजॉय इट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड मी, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और जहाँ तक बात है, चूंकि सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों इकट्ठी आ गई हैं, तो तैयारी कैसे करें? अगर आपने सेकेंड ग्रेड की, इस अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लिखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, शब्बा खैर।